सर्ववेद्य मांडुक्य उपनिषद के अद्वैत नामक तृतीय प्रकरणों पर विचार करते हुए अभी ग्रंथ का हम लोगों को इस जगह पे ला करके स्थिर कर दिए। कृपया देखो कि इस श्रुति में जो कर्म का संकर, जो जन्म मृत्यु का संकर, जो सुख दुख का संकर, ये सब जो उपाधि से निपटा जा सकता है, इसलिए पारमार्थिक भेद मानने की आवश्यकता नहीं है। सृष्टि वाक्य की उपयोगिता एकत्व बोध कराने के लिए है, उपासना कर्म की उपयोगिता साथ अधिकारी में योग्यता लाने के लिए है। इस प्रकार से जो भी सृष्टि श्रुति वाक्य है उसके साथ हमारा कोई विरोध नहीं है। अन्य वादियों का जो सिद्धांत है वहाँ पे यदि आपको भेद दिखता है वो पूर्ण श्रुति संपत्त नहीं होने के कारण वास्तविक वहाँ पे मिथ्या मतलब गलत दर्शन हो गया, क्योंकि आपने किसी वस्तु को पहले प्रतिज्ञा किया कि ये जन्म रहित है और फिर बाद में उसी को जन्म वाला मानते हैं। ये प्रकृति की जो भिन्न अभिन्नता हो जाए ये कभी भी होना संभव नहीं है। प्रकृति अन्यथा भाव न कथन चिन्ह भविष्य। तो आप सृष्टि हाँ सृष्टि वाक्य भी क्या है कि आप सृष्टि वाक्य यदि आप भूतत्ववादी मान मत तो चाहे आपका परिणाम बात को लेकर के कहे चाहे आप विवर्तवाद को लेकर के, सृष्टि तो आपको ये भी दिखेगा भ्रांति के कारण दिखाई दे रहा है, परंतु जो वहाँ पे जो किसको ग्रहण करना युक्ति संगत है उसी को हमको निश्चय करके ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि और जैसे ऐसा श्रुति वाक्य मिलता है, क्या श्रुति वाक्य मिलता है, श्रुति अपने आप जो है भेद की निंदा करती है, श्रुति अपने आप कहते हैं भेद माया के कारण देखती है, श्रुति अपने आप कहते हैं अजायमान बहुधा माया जायते उषा, है ना, वास्तविक जन्म रही होते हुए भी माया के कारण वहाँ पे जो है कि भेद की प्रतीति होती है। इन सब श्रुति वाक्यों को जो है मतलब इकट्ठा करके उसको समन्वय करने पर यही निर्णय होता है कि जन्म पारमार्थिक मतलब भेद पारमार्थिक होना संभव ही नहीं। हम लोग कल एक नंबर 24 को पढ़ रहे थे, है ना, 24 नंबर है वर्ष है, उसको दोबारा सब एक साथ मिल के पढ़ेंगे। नंबर 24 ना नेहना नेति जामनाया इंद्र माया विरिद्यति अजायमान बहुधा मायया जायते दुष। श्रुति का निश्चय कैसे किया जाए, तो वेदांती क्या बोलता है, इसलिए जो यदि भेद पारमार्थिक होती तो श्रुति अपने आप भेद की निंदा नहीं करता। पहले भी एक बार बोल करके आया, क्या बता कर गए, जो निंदनीय है वो निषिद्ध है और जो इसकी प्रशंसा की जाती है वो ग्रहणीय है, इस श्रुति का सामान्य न्याय है। इसी आप किसी आधार पर यहाँ पे भेद की निंदा की गई है और परमात्मा अपनी माया शक्ति से अपने को अनेक रूप में अभिव्यक्त करके अपने ही अपनी महिमा को देखते रहते हैं। इंद्र माया बिल्कुल रूप अभिन्नते तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय रूपम रूपम प्रतिरूपम बहुरूपम, अपनी महिमा अपने आप देखने के लिए अनेक रूप में अपने को अभिव्यक्त किए थे अपनी माया शक्ति से। इसलिए लेकिन पारमार्थिक नहीं है, उनकी लीला मात्र है, केवल इतना ही नहीं सुखी और भी बोलते हैं अजायमान बहुधा माया जायते दुष्ट, मतलब वास्तविक वहाँ पे जन्म नहीं होने हुए भी वो माया के कारण अनेक रूप में जन्म हुआ जैसा दिखाई देता है। और श्रुति अपने आप आकर के बाद में ये कहते हैं तस्य अभिध्यानात् योजनात् तत्व भावात्, मैं क्या बताए कि उस परमात्मा के चिंतन के फलस्वरूप और यदि मन को हम भगवान में लगा सकते हैं तब क्या होता है विश्व माया निवृत्ति अंतिकल विश्व माया संसार सृष्टि के पीछे जो माया है वो माया निवृत्त हो जाता है, ऐसा श्रुति अपने आप कहती है। इसीलिए जिसके सहारे सृष्टि दिखाई दे रहा है जब उसी का ही निराकरण कर देते हैं माया भी नहीं रहते हैं तो फिर ये सृष्टि कहाँ से शब्द होने वाला है। तो देखिए कल हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे माया टीका में भाष्य एक बार पढ़ लिया था, है ना, भाष्य पर पढ़ लिए थे माया 164 पेज में माया मयि सृष्टि इत्यत्र हेतुमंतर परत्येन तृतीय पादम अवतारयति, ये सृष्टि मायामयी है माईक है, इसके पीछे एक और कारण दिखाने के लिए तृतीय पद को व्याख्या करती है। श्रुति वाक्य अजायमान बहुधा मतलब वास्तविक जन्म रहित होते हुए भी अनेक रूप में वही को अभिव्यक्त होता है, अनेक रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि तृतीय पद को व्याख्या करता अजायमान बहुधा अजायमानस बहुधा
विजायमानत्तम विरुद्धम, अजायमान होते हुए वो विशेष रूप में दिखाई पड़ रहे, पैदा हो रहा है, ये विरुद्ध कथन है। इति आशंका चतुर्थ पादम उत्थापय, चतुर्थ पद क्या बोले हैं, मायाया जायते दुषम, चतुर्थ पद बोलते हैं मायाया जायते, चतुर्थ पदम उत्थापयति, उत्थापन करके ये कहा जो माया के कारण हुआ, मतलब इसका उत्तर देने हुए, वास्तविक जन्म नहीं थे तो जन्म कैसे होगा, बोलते बस यही तो हम कह रहे हैं कि वो माया के कारण ऐसा प्रतीति होती है। अच्छा, अश्रुतस्य कथम एव कारस्य आभाव, शायद वहाँ पे तो वहाँ पे गोपाल भाई आप थोड़ा फोन को म्यूट में रखे, गोपाल भाई फोन को थोड़ा म्यूट में रखे, अश्रुतस्य कथम एवकारस्य अभाव, आप जो है जो सुनाई नहीं दिया हम अभी एवकार, एवकार आपने कहाँ से लाया, भाष्यकार को बड़ा भाष्यकार को बड़ा आक्षेप करिए कि आप एवकार कहाँ से लाया, तस्मात माया एव जायते दुष्ट, माया से एवकार कहाँ से लेगा, बोलते वहाँ पे जो दू शब्द आया है, दू शब्दों से एवकार का अपने प्रयोग है, दू शब्द अवधारणार्थ माया एव, माया से ही ऐसा जन्म होना संभव है, माया से ही ऐसा भेद की प्रतीति संभव है, ये कहेंगे। फिर यहाँ तक हमने पढ़ लिए थे अश्रुतस्य कथम एव कारस्य, अवधारण रूप अर्थम एव अभिनयति, अवधारण कैसे होता है उसको अपने आप अपने शब्दों के द्वारा कहते हैं भगवान वाच्य का, क्या बोलते हैं माया एव जायते। अच्छा, यहाँ तक हमने कल्पना लिए थे, हैं आगे देखिए, कस्मात इत्थम अवधार्यते, आपने ऐसे निश्चय क्यों कैसे कर सकते हैं, कस्मात इत्थम, इस प्रकार की निश्चय आप कैसे करते हैं कि माया से विशेष जो है कि एकत्र दर्शन की प्रशंसा करती है, वास्तवे जन्मनी का वस्तु क्षति, यदि पारमार्थिक सृष्टि हो जाए तो क्या नुकसान हो जाएगा, वास्तवे जन्मनी क्षति सब शब्द में है ना, जन्मन प्रतिपदिक है, जन्मन निश्चय कर सकते हैं वास्तविक जन्मनी का वस्तु क्षति, यदि पारमार्थिक उत्पन्न हो जाए तो क्या नुकसान हो जाए, यदि आशंका आ तब उसको नहीं अजायमानतम बहुधा जन्म एकत्र संभवति, एक ही अधिकरण में जो वास्तविक प्रतिज्ञा किया कि जन्म रह जाए और फिर उसी से जन्म हो जाए, पारमार्थिक जन्म हो जाए, ये एक साथ एक होना संभव नहीं है ना, इसलिए बोलते नहीं क्योंकि अजायमानतम, इसके अंदर अजायमानत्व जो धर्म है मतलब पैदा होने का संभावना जिसमें नहीं है, उसमें बहुधा जन्म अनेक प्रकार के जन्म एकत्र एक ही अधिकरण कथम संभवती, मतलब न संभवती न संभव होगा, ये होना संभव नहीं है, इसलिए हमें बोलते हैं कि नहीं अजन्म। अब क्या बोलते हैं, दृष्टांत दिया भगवान भाष्यकार ने, अग्नौ इव शैत्यम औष्णम च, एक ही अधिकरण अग्नि में जैसे उष्णता और शीतलता एक साथ नहीं रह सकते हैं, अथवा एक ही शीतल जल में एक साथ शीतलता उष्णता दोनों नहीं रहता, जल का भी कभी उष्ण हो जाते हैं हम अपने अनुकूल व्यवहार के लिए, परंतु कैसे होता है, उपाधि से, उपाधि से मतलब अग्नि के द्वारा हम उसको जब उपहित कर लिया तो जो अग्नि कणा से उपहित होकर के जल उष्णता के जो है रूप में प्रतीति होती है, परंतु वास्तविक जल में उष्णता नहीं है, इसलिए होता है जैसे अग्नि रूपी एक ही अधिकरण में दो विपरीत धर्म शीतलता और उष्णता एक साथ नहीं रह सकता है, इसी प्रकार एक ही एक अधिकरण आत्मा उस आत्मा में अजायत्व और जायत्व दो विपरीत धर्म एक साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए आत्म एकत्व ज्ञानम एव सृष्टि स्तुति तात्पर्य गम्यम, सृष्टि स्तु तत् शेषत्व अविवक्षिता इति अर्थ हेत्वांतरम आह, यह बोलते हैं सृष्टि स्तुति का तात्पर्य किसमें है, आत्म एकत्व ज्ञानम एव सृष्टि स्तुति तात्पर्य गम्यम, आत्म एकत्व बोधि सृष्टि स्तुति का तात्पर्य ये समझ में आता है, आत्म एकत्व ज्ञानम एव सृष्टि स्तुति तात्पर्य गम्यम, क्षमा करना सृष्टि तो सृष्टि क्यों बोला वहाँ पे, सृष्टि तो तत्शेष उसके अंग के रूप में एकत्व बोध के अंग के रूप में सृष्टि को वहाँ पे कहा गया है ना, यह धर्म प्रक्रिया सृष्टि तो तत्शेषत्व अविवक्षिता, वहाँ पे उसको प्रतिपाद्य भाग वो नहीं है, वो अनुवाद भाग वो विवक्षित नहीं है, उसे बोलने की इच्छा स्तुति नहीं रखते, विवक्षित मतलब क्या होता है, वक्तुम इच्छा विवक्षा और उसके भाव,
विवक्षिता। बोलने की अभी प्रविष्ट नहीं है श्रुति की। यदि अत्र हेतुअंतरम, इस विषय में एक अलग हेतु को भी कारण को भी कहते हैं। क्या कारण है? कि फलवत्तच्च आत्म एकत्व दर्शनम एव श्रुति निश्चित अर्थ। आत्म एकत्व दर्शन ही उसी के फल कथन किया गया श्रुति के द्वारा, इसीलिए वही प्रतिपाद्य है, ये अभिप्रेत है। फलवत्वाच्च फलशाली होने के कारण क्या? आत्म एकत्व दर्शन मतम अनुभव। आत्म एकत्व दर्शन ही जो है फलशाली होने के कारण यही श्रुति का निश्चित अर्थ है, विषय है, ये निश्चय होता है। यही श्रुति का प्रतिपाद्य विषय है, ये निश्चय होता है। श्रुति का प्रतिपाद्य विषय एकत्वमय काम को श्रुति वाक्य है तो अपने मन मन बोलते हो, अपने मन से बोलते नहीं ना, श्रुति वाक्य है से होता है। तस्य फलवत्त मतलब एकत्व दर्शन फलशाली है, इस विषय में प्रमाण श्रुति प्रमाण को कहती है। श्रुति को यहाँ पे भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तत्र कोशोक एकत्वम अनुपश्यत, इस प्रकार एकत्व दर्शन करने वाले का शोक मोह कैसे हो सकता है ना? शोक मतलब क्या होता है? हाय मेरे पास ये नहीं है, ये शोक। हाय मेरा पुत्री नहीं है, हाय मेरा पुत्र नहीं है, हाय मेरा धन नहीं है, ये हो गया शोक। और वो क्या है? वो मुझे मिल जाए, वो मुझे मिल जाए, मेरे पास रह जाए, है ना, एक चीज मोह है, ये शोक मोह। तत्र को मोह को शोक का एकत्व अनुपस्थित है। इस एकत्व दर्शन करने वाले के लिए उसके मन में तो भावना नहीं रहता कि अरे हमारे पास ये नहीं है, वो जानते हैं कि मैं ही पूर्ण व्यापक हूँ। और जो भी कुछ पुस्तक की आवश्यकता है वो शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं है। और शरीर के लिए जितना भी आवश्यक की पूर्ति करता जाओ कभी पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए है निश्चित होकर के ईश्वर को बस छोड़ करके बस बैठे प्रारब्धम पुष्यति बपूर्ति निश्चित निश्चलम भूता अर्था स्वपनयनम गुरु विवेचन। प्रारब्धम पुष्यति बपूर्ति निश्चित निश्चलम भूता अर्था स्वपनयनम गुरु। प्रारब्ध ही तुम्हारा शरीर के लोग शब्द वहन कर लेगा, इसके लिए अलग से निश्चय करके बस निश्चल होकर के शरीर अध्यस्त होने का उसको मिला, उसको मिला। तो इसलिए बोलते तस्य फलवत्त प्रमाणम प्रमाण को कहते हैं यहाँ पे एकत्वम आचार्य उपदेशम अनुपश्यत साक्षात पूर्वत तत्र एकत्व साक्षात्कार सति शोक मोह उपलक्षित संसार न भवति। इस श्रुति वाक्य के अर्थ कर रहे हैं कौन सा? तत्र को मोह को शोक एकत्व अनुपश्यत, ये अनुपश्यत मतलब क्या हुआ? आपने आप उपनिषद पढ़ने से बोध नहीं होता। देखो यहाँ पे एकत्व मतलब आचार्य उपदेशम अन गुरु मुख से, आचार्य भी अपने मनोवर्ती उपदेश करने से नहीं होगा। शास्त्र वाक्यों के आधार पर यदि हमको आचार्य मुख से गुरु मुख से आचार्यवान पुरुष वेद छंद आचार्यवान पुरुष वेद तो आचार्य आदि प्रापिता विद्या साधिष्ठा भवती। आचार्य से जो विद्या प्राप्त करते हैं वो अधिक फलशाली होता है। इसलिए बोलते हैं कि एकत्व आचार्य उपदेशम अनुपश्यत, आचार्य के उपदेश के बाद अनुशब्द का पश्चात होता है ना, पश्चात अनुशब्द मतलब रिपीटेशन, इस अनुसंधान रिसर्च का भी प्रकट कर रहे बार बार चिंतन है, मतलब विद्यमान वस्तु है उसको देखना सीखो। अनुभव आपको कोई जैसे कोई रिसर्च करने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा? विषय देते हैं उस विषय मतलब वो विद्यमान है वहाँ पे उसके ऊपर मतलब आप अनुसंधान करके संधान करते करते उसके स्तर पर उसको और उसमें क्या होता है? एक गाइडलाइन भी होता है और आपने आप भी विचार करना पड़ता है ना, ये दोनों मिलकर किसी गुरु का निर्देश भी चाहिए और आपने भी अनुशब्द करके छुपा हो उसके एकत्व आचार्य उपदेशम अनुपश्यत। ये एकत्व बोध को आचार्य के उपदेश के बाद बार बार उसके ऊपर विचार करना अर्थात अनुकूल जैसा भाई इस प्रकार विचार करने से एकत्व अनुभव होगा। और इसके भिन्न जाओगे तब बोलते तो अनुभव नहीं होगा। उपाधि के साथ देखने देखोगे तो कभी भी एकत्व अनुभव नहीं होगा। उपाधि से तालक पर छूट जाए एकत्व एकत्व दिखेगा, ये अभिप्राय है। इसलिए इस पर साक्षात पूर्वत इस प्रकार साक्षात करने वाले के जो अनुपश्यत अनुपश्यत का अर्थ कर दिया क्या? अनुभव करने साक्षात पूर्वत साक्षात करने वाले व्यक्ति का तत्र एकत्व साक्षात तत्र को मोहकोश होगा तत्र पर अर्थ क्या कर दिया कि तत्र एकत्व साक्षात्कार सति तत्र पद का अर्थ हो गया मतलब उस एकत्व साक्षात्कार हो जाने पर मतलब जिस अधिकरण में जब होता है शोक मोह उपलक्षित शोक मोह के द्वारा उपलक्षित क्या होता है ये संसार
અને સંસારી બધે શોક મોહ ઉપલક્ષ કે સંસાર ના ભવતી શોક મોહ કરે છે હાય મેરે પાસ યે નહીં હૈ મતલબ ભેદ દિખાઈ દે રહા ભિન્નતા હૈ નહીં હૈ યે સબ વો ધો રહા હૈ કિસી કો શોક બોલ જાય શોક મોહ કરે સંસાર ના ભવતી કી અર્થ વો ભેદ હૈ તઈ નહીં હૈ અભી દેખા ન કેવલમ વિફલત્વા ભેદ દૃષ્ટિ અવિવક્ષિતા કેવલ મત ભેદ દૃષ્ટિ સે કોઈ ફલ નહીં હૈ વિફલ હૈ વિરુદ્ધ ફલ હૈ ભી ઉપશબ્દ કા स्थान विशेष में अलग अलग रहता है विशेष अर्थ होता है विरुद्ध होता है विविध होता है बी उपशब्द का बी मतलब विविध विरुद्ध और विशेष तो यहाँ पे क्या देखिए विरुद्ध फलत्व भेद दृष्टि से क्या होता है एकत्व दृष्टि से शांतम शिवम अद्वैतम द्वैतम अशांतम है ना इसीलिए विरुद्ध यहाँ पे विरुद्ध फलत्व ना केवल विरुद्ध फलत्व तो विरुद्ध फल हो जाएगा मतलब दुख ही दुख रहेगा आनंद प्राप्ति के लिए आप प्रयास कर रहे हैं दुख से बच नहीं पाएंगे है ना भेद दृष्टि और विवक्षित इसलिए भेद दृष्टि विवक्षित नहीं है शुद्धि की बोलने का अभिप्राय नहीं अभिष्ट नहीं है किंतु तद विपरीत निंदितत्व उसका निंदा होने के कारण निषिद्धत्व तो निषिद्ध है अनर्थकत्व उस प्रकार भेद जो है निषिद्ध भेद दृष्टि को मिटाना छोड़ देना है और भेद दृष्टि हमारे लिए अनर्थकारी है इसलिए जो है श्रुति के अभिप्राय नहीं है मतलब भेद श्रुति का अभिप्राय नहीं है सृष्टि श्रुति का अभिप्राय नहीं है पारमार्थिक अभिप्राय नहीं है इसको समझाने के लिए भेद दृष्टि की निंदा क्या क्या मृत्यु मृत्यु अपनौती जय नाना श्रुति अपने आप इसमें नाना नानात्व तो नहीं है नानात्व तो नहीं है कि अधिकारण में नानात्व तो जैसे अधिकता नाना मृत्यु समृत्यु मापनोती जो यह नाना की लोग वहाँ मृत्यु अपने नाम नहीं है श्रुति वाक्य है ना ये समस्त श्रुति वाक्य को समन्वय करने तक पता लगता है कि भेद क्यों श्रुति पर पसंद नहीं करता था भेद क्यों श्रुति पसंद करते हैं अब जो है एक बहुत बड़ा एक और उपनिषद वाक्यों के आधार पर बोले विशावास उपनिषद में संभूति संभूत रूप में भगवती संभूत बताया था कोई बात नहीं हमारे पास जो इसमें तो है हमारे पास इसमें जो है ना तो यहाँ पे विशाखा उपनिषद दो शाखा में है एक काल शाखा में है एक माध्यम शाखा में है ना तो हमारे हम लोग अधिकतर काल शाखा वाला पढ़ते हैं माध्यम शाखा में जो पाठ आया हुआ है ना वहाँ पे काल शाखा में तो पहले विद्वंस विद्वंस अन्न देवाहुल विद्या अन्न बहुल अविद्या और फिर क्या बोलते हैं पहले कैसे शुरू होते अंधम तम प्रविशंति जो अविद्या उपासते तब भूज दीवते तमो यु विद्या ठीक है ना ईश्वर शुक्र शास्त्र पहले विद्या विद्या शुरू किया है ना ये दो लोग अलग अलग फल कथन करते हैं अन्न देव अहुर विद्या अन्न अहुर अविद्या मधीरा नाम यो न स्तर में सेकेंड मंत्र यानी कि दोनों का अलग अलग फल फल कथन किया फिर आज बाद में क्या बोलते हैं विद्यम च अविद्यम के दस्तक वेद उभय वंश हो अविद्या मृत्यु ये तीन मंत्र पहले आया है फिर उसके बाद जो है संभूति या असंभूति है ना एक जगह पे बिना शब्द के द्वारा संभूति को बोलते हैं वहाँ पे जो अन्न देवा हो संभव अन्न रहो असंभव आदि के शिष्य मेरा नाम ऐसा आया कि संभूति मतलब बिना शब्द दस्तक वेद उभय वंश बिना से न मृत्यु संभूत ऐसा वहाँ पे अमर कांड सकता परंतु यहाँ पे और कांड शाखा में लास्ट मंत्र आता है अग्नि नय सुपथा रहे अन्न निश्चय देवय माने विद्या यहाँ पे जो माध्यमिक शाखा में आया आया हुआ है वहाँ पे देखिए बोलते हैं कि पहले दिया संभूति और विषा बिना समझा संभूति बिना समझा जस तक विद उभय वंश हो विनाश न मृत्यु उदित संभूत अमृतम स्मृति ये एक 11 नंबर मंत्र है फिर उसके बाद अंधम तम प्रविशंति जो अविद्यम उपासक है जैसे जिसको यहाँ विषमा सुपोषण ने 9-10-11 में कहा है उसको यहाँ पे आकर के 12-13-14 में अन्न देवाहुल विद्या अन्न दहुल अविद्या धीराराम देश कहते थे विद्यम से अविद्यम से दस्तर में यहाँ पे आया हुआ अब वहाँ भी अब इसके बाद यहाँ पे आया हुआ है अग्नि नय सुपथा रहे अब उपासना के बारे में कथन करने के बाद अंतिम में हिरणमय और यहाँ पे जो मंत्र नहीं है जो यहाँ पे आया हुआ है तो वहाँ पे एक आया हुआ सूर्य प्राजापत्य रश्मि स्वरूपम कल्याणतम दत्ते पर समित ये मंत्र यहाँ पे नहीं है यहाँ पे अंतिम मंत्र आए ओम खम ब्रह्म राष्ट्र मंत्र ओम खम ब्रह्म खम ब्रह्म मंत्र व्यापक है ब्रह्म व्यापक आकाश की तरह असंग व्यापक है यहाँ पे जाके अंतिम होता है तो
तो यहाँ पे देखिए आमाध्यम ने जहाँ में जैसा शुरू किया था ईशावास्यमिदम सर्वम, ये पूरा वही एक प्रकरण लेकर के चला। हमारा जैसे कांड साखियों में ज्ञान प्रकरण है पहला आठ मंत्र, और इसी में आपको तात्पर्य निर्णक शैलिंग मिलता है। यहाँ पे ईशावास्यमिदम सर्व से शुरू करते हैं और आठवां मंत्र आता है सपर्युगा शुक्रम कायम प्रणमस्ना विलम शुद्धम अपापवित्रम, जिसको बोला था ईशावास्य उसको सशब्द में बोल के वही पूर्ण व्यापक है। ईशावास्य को ईशावास्य उसके तरह व्यक्त कर देना चाहिए उसको उपसंहार में बोला। तो ये हो गया उपसंहार की एक बात बोला। फिर आगे क्या लिखता है अभ्यास तदे दति तन्ने यदि तत्तुरे तद्वर्ति के, इस प्रकार से है उसका अभ्यास हो। अपूर्वत अपूर्वत है तस्मिन आपो माते विश्व तथा नहीं अपूर्वत है हाँ नैनं देव अपनुवन अनेजा देखा मनुष्यो दिव्य नैनं देव अपनुवन जो चौथा मंत्र है इसका अपूर्वत है। देवता लोग भी इसको प्राप्त नहीं कर सकते, देवता लोग भी इसको प्राप्त नहीं कर सकते माना देवताओं ने पढ़े। और फिर अभ्यास अपूर्वत फलम फलम है कोशिश करता मैंने बस कर्म का निंदा किया गया है। असुरजा नाम लोका अंधेन तमसा पिता ये हो गया उसका अर्थवाद। मतलब जिसको हम प्रतिपन्न करना चाहते हैं उसका विरुद्ध वस्तु को निंदा करते अपन तो निंदा में अभिप्राय नहीं है, हम जो हमारी स्तुति में अभिप्राय स्तुति में इसका अभिप्राय है। और उपपत्ति युक्ति तस्मिनापमातरेश्वर तथा रहने के कारण मतलब शुद्ध चेतन रहने के कारण ईश्वर अथवा हिरण्य गर्भ अपनी सारा सृष्टि को चला पाते हैं, ये युक्ति है उसको उसका अस्तित्व में। इस प्रकार तात्पर्य निर्णय क्षय लिंग जो है यहाँ पे आपको पहला आठ मंत्र मिलता है, फिर उसके बाद उपासना प्रकट रहता है। देखो यहाँ पे फल कथन हो गया, प्रतिज्ञा करके यदि किसी का फल कथन कर देते हैं वो प्रकरण वहाँ पे समाप्त हो जाता है। ईशावास्यमिदम सर्व का प्रतिज्ञा किया और उसका फल कथन कर दिया तब तो पूर्ण हो सके कर्ता होने पर सके। इसी प्रकार अब जब आपको उपासना प्रकरण आया अन्न देवाहुर विद्या अन्न अविद्या इसको लेकर के उपासना प्रसंग फल कथन क्या किया अब निर्णय सुख बता रहे हैं इसके द्वारा प्रार्थना करता मार्गदर्शन करते हैं व्यान हमसे मार्गदर्शन नहीं है। यहाँ पे अंतिम मंत्र या कम ब्रह्म जो हमारा आनंद शाखा में नहीं है यहाँ पे संभूति और विनाश को समुच्चय करने के लिए बोला गया है। और तो इस उसको लेकर के पहले और बाद में विद्वान स्वविद्वान भी जहाँ पे बोला हुआ है वहाँ पे क्या हुआ कि अविद्य शब्द का तला जो कम ब्रह्म से उपासन समाप्त करते हैं इसे ब्रह्म को लिया गया है। अब जब आप वहाँ पे संभूति का उपासना करने के लिए पहले निंदा करते हैं अंधम तम प्रविशन्ति समस्त देवताओं के समष्टि रूप या समस्त देवताओं के समष्टि रूप जिसने सृष्टि को बनाया उसी का ही उपासना को निंदा कर दिया गया तो उसी का छोटा छोटा जो देवता है उसको उपासना कहाँ तक सही मंत्र सही मानेंगे छूते की सभी प्रयत्न नहीं समझ पाए। अच्छा फिर उसका जो समुच्चय वो बोलेंगे नहीं नहीं वहाँ पे उपासना निषेध करने के लिए नहीं कहा, वहाँ पे तो भाष्यकार भी लिखते हैं समुच्चय विधान करने के लिए। ठीक है भाई कल मैं समझा रहा था समुच्चय विधान किसके साथ किया विनाश के साथ संभूति विनाश समय यहाँ पे कोई व्यक्ति आ रहे अंदर आ रहा है सामान्य तो वो यहाँ पे बैठना चाहते हैं आपको बोले तुम बोलते नहीं वहाँ जाके बैठे वहाँ पे और भी होते वहाँ पे और भी वहाँ जाके हम उसको मना नहीं किया मतलब अभिप्राय क्या है तुम इस कैटेगरी के नहीं हो एक मर्यादा होते हैं ना। श्रुति स्वयं जो है संभूति का विनाश के साथ समुच्चय करके कि ये विनाशी वस्तु है मतलब परमों के साथ समुच्चय दिखाया ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं दिखाया इसलिए ये विधेय नहीं है ये निंदनीय है ये इसका छुपा हुआ राज है ये हमारे मानव को कारिका करते हैं उसको समझेंगे। भाष्यकार तो हम संबुद्ध संबुद्ध उपासना जैसे उपासना वैसे लिखा मान उसने मतलब मानव को कारिका बोला लगे अपने प्रज्ञा के द्वारा पूरा श्रुति को टटोला श्रुति संबुद्धि को बोल करके संबुद्धि समस्त देवता के समस्त रूप है उसको निंदा कर दिया
उसको पसाना भी एक वृत्त तो क्या होता है कि अन्न देवा तत्व भूय एव के तम जो संबुद्धता को करता है, जो उस घोर अंधेरा में जाता है तो संबुद्धि को पसाना करता है। उससे क्या होता है, अनिमा गरिमा जो ऐश्वर्य प्राप्त होता है, अनिमा गरिमा ऐश्वर्य प्राप्त होगा बंधन में फंसे नहीं तो मुक्ति की हो जाओ और बंधन के लिए हेतु हो जाता है और बंधन। अब दूसरी बात क्या, मान लीजिए आप संबुद्ध उपासना के लिए हिरण्यगर्भ को लोक में गए, कितना देर तक आपको वहाँ बैठना पड़ेगा, जब तक उसका काल समाप्त होता है। हिरण्यगर्भ लोक से यदि कोई व्यक्ति मुक्ति भी प्राप्त करना चाहते हैं तो कब तक बैठना पड़ेगा उसको, जब तक हिरण्यगर्भ काल समाप्त होता है। इसलिए वो जो है और घोर अंधन है, श्रुति उसको निंदा करती है। शरीर मनुष्य शरीर रहते रहते ही जो है इसी में प्रयास करना चाहिए, उपासना करके ब्रह्मलोक जाकर मुक्त हो जाऊंगा, ये भावना भी यथार्थ भावना नहीं है, ये काली का कारण मन को काली का कार्य हो। देखिए उनको तो बद्रीनाथ में नारायण की कृपा से ये दर्शन ये अभिप्राय मतलब ये उपनिषद के रहस्य को वहाँ पर ये बोध हुआ था। लेकिन इतना बड़ा सांख्यिक सिद्धांत को उपनिषदिक सिद्धांत को इस प्रकार के प्रतिपादन कर देना कोई मामूली बात नहीं है। तो उसी को देखिए बोलते हैं अब ये संभूति सब कहाँ पे आया हुआ है, एक एक करके इंद्र माया फिर विनयमन आनाश के लिए कठोर उपनिषद, इसके पहले दैत्य उपनिषद आए थे, फिर इंद्र यहाँ पे हमारा बृहदारण्यक उपनिषद क्षेत्र शुक्र उपनिषद, इसके सारे मतलब आपकी सारा शुक्र को लेकर के शुक्र देवी को उसको लेकर के बोलना चाहते हैं। यहाँ पे विद्या अविद्या को बाद में आया और संबुद्ध असंबुद्धि पहले आया हुआ है इसमें मध्यम दिशा। तब यहाँ पे देखिए भेद दृष्टि मिथ्यात्व, भेद दृष्टि मिथ्या है पारमार्थिक नहीं है, इस विषय में एक और हेतु को कहेंगे तो भाई बड़ा भयंकर हेतु बोलिए संभव प्रतिषिध्यते कोनुवेनम जनयेदिति कारणं प्रतिषिध्यते संभूतेरपवादाच्च संभव प्रतिषिध्यते कोनुवेनम जनयेदिति कारणं प्रतिषिध्यते संभूतेरपवादाच्च मतलब दिस इज एन एडिशनल रीजन। पहले जो बोल करके आया ना कि यमुना नास्ति किंचन इंद्र मायावी गुरुपेयी अजायमान बहुधा माया, ये सब बोलने के साथ एक एडिशनल रीजन और भी है। देखो इसको अपने सबसे अच्छा उपासना मानते हैं, हिरण्यगर्भ उपासना सबसे अच्छी उपासना मानते हैं। उस हिरण्यगर्भ उपासना के शुरू स्वयं अपने आप निंदा कर देते हैं और वो निंदा तो कहता भगवान भाष्यकार नहीं किया, श्रुति स्वयं अपने आप निंदा कर देते हैं। संभूति अपवादाच्च संभूति मतलब संभव ऐश्वर्य भूति मतलब ऐश्वर्य अथवा भूधातु से भूति मतलब होना, संभव रूप से होना, ये जो हिरण्यगर्भ पहले होते हैं उसका भी श्रुति अपने आप निंदा कर देती है। इसका मतलब है संभव प्रतिषिद्ध सृष्टि होना संभव ही नहीं है, कोई भी पारमार्थिक वस्तु नहीं है, केवल इतना ही। बृहदारण्यक उपनिषद में आपका जब तृतीय अध्याय के नव ब्राह्मण साकल्य ब्राह्मण का साकल्य का शरीर गिर गया, अब उसके जितना ब्राह्मण के सब वहाँ बैठे हुए थे, अब प्रज्ञा कुमार जी बोलते हैं आप स्वयं मिल करके चाहो तो मेरे को पूछ सकते हो, मतलब मैं आपको पूछता हूँ कोई उसमें जवाब नहीं दूँ। तो डॉक्टर किसी बोलते हैं देखो एक वृक्ष को एक गाली काट दो थोड़ा सा काट दो तो वहाँ से फिर रस निकलता है, वृक्ष को थोड़ा सा गाली बचा करके काटो तो अगला वर्ष में भी वो निकल जाता है। मत्स्य मृत्यु ना वृत्त अकस्मात मूला करो, तो मरण से जीव मृत्यु ना वृत्त मृत्यु के तरह किस मूल से फिर उठ करके आता है। मत्स्य मृत्यु ना वृत्त अकस्मात मूला करो वेदांत को द्वितीय अध्याय के नवम ब्राह्मण के अंतिम मंत्र में अपने आप कोई शब्द ऋषि चुप हो गया कोई बोल नहीं पाए तो अपने आप ही बोलते हैं जात एव न जायते कोनुवेनम जनयेदिति, अरे वो विद्यमान वस्तु है उसके जन्म होना संभव नहीं है, इसको कौन पैदा करेगा पूरा, और स्वयं शुद्धि बोलती है कोनुवेनम जनयेदिति, उसको उतना ही मंत्र ऋषि ने उठा दिया। अब यदि इसको पढ़ना थोड़ा सा मतलब इतना हिस्सा छोड़ देना
हिरण्यकशिपु के तृतीय अध्याय के नवम ब्राह्मण में जो शाकुंतल के मर जाने के बाद फिर जाकर ऋषि मुकुट ने लिखा आनंदम ब्रह्मण विद्वान राति धातुर परायण, इस प्रकार से वहाँ पे तात्पर्य है। अरे वो तो ब्रह्म रूप है, समस्त ऐश्वर्य को देने वाला है, उसको कौन पैदा कर सकता है? ऐसा करके उत्तर देते हैं वहाँ पे कौन ये नम जने दी हिरण्यक दो तीन नौ है ना, इसके भी अध्याय मंत्र आपका जो हमारा जनक संबंध है जनक कथा के स्वभाव इसको पैदा करने वाला कोई है नहीं, इसके अंदर कोई कारण, इसके पीछे कोई कारण नहीं है, इसलिए कोई पैदा कैसे होगा? इस प्रकार शिव जी के जन्मदिन मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता है? क्यों जन्म है शिव तत्व जन्म है। कोई व्यक्ति कभी कभी गलती करते शिवरात्रि मंत्र नहीं है, शिवरात्रि मंत्र वो तो शिव जी की पूजा करने की विशेष स्थिति है, दिन है जिस दिन पूजा करते शिव जन्मेश्वरों ने। आप देखिए एक नंबर टिप्पणी संभूते अपवादाच्य, यहाँ पे टिप्पणी का इसको पूरा समझाते हैं, ठीक है? टिप्पणी को देखिए अंधम तम प्रविशंति, यहाँ पे जो है ना ये हमारे कान शाखा को लेकर के बोले संभूत इत्यादि अंधम तम प्रविशंति अविद्याम इत्यादि ना, यहाँ से लेके विद्याम था विद्याम इत्यादि ना सन्नाम मंत्र ना छह मंत्र अविद्या विद्या और संभूति और विनाश है ना, संभूति और संभूति ये जो है छह मंत्र के द्वारा ये उसको वर्णन किया गया। और दुकान शाखा में पहले आया विद्या अविद्या, बाद में संभूति असंभूति, और महात्मंद शाखा में पहले संभूति असंभूति, बाद में संभूति जब विनाश समझे बाद में आया। जैसे ये अंधम तम प्रविशंति जो अविद्याम इत्यादिना सन्नाम मंत्रानाम व्याख्यांतर पक्षे, व्याख्यांतर पक्ष मतलब छह मंत्र का जब व्याख्यान करना व्याख्यांतर मतलब उसके भिन्न रूप से व्याख्यान उस पक्ष में पाठक्रम पाठ्यक्रम बलियान इति न्यायेन, अब जो है ये जो है पहले भी आया हुआ है अग्निहोत्रम जुहोति जगावुम पचति जगावुम पचति, इस बार ऐसा बात आया हुआ है। यहाँ पर पूर्वमक्ष दर्शन में निर्णय हुआ अग्निहोत्र जात आप तब करेंगे जब जवाब को पता करके लक्ष्य बनाने का हम भी देने के लिए, इसीलिए पाठक्रम से अर्थक्रम बलवान होता है, यानी कि अर्थक्रम क्या होता है जवाबों बचत ही अग्निहोत्र जो होगी ये होता है। तो यहाँ पे जो है बोल रहे हैं कि पाठक्रम से अर्थक्रम बल पाठक्रम अर्थक्रम बलिया न्याय न इस न्याय से अंतम तम प्रविशन के लिए असंभूति में इत्यादि जो है यद्यपि ईशावास्य उपनिषद कारण शाखा में आपको क्या किया था कि इसको बाद में बोला था पाठक अर्थक्रम बलवान होता है, अर्थ से पता लगता है उपासना जो करके सामान्य उपासना करेंगे हिरण्यगर्भ वध उसी के विस्तार को जो है उसको करेंगे, इसलिए बोलते हैं अंधम तम प्रविशंति जो अश्वभूतिमित्ता इत्यादयस्त्रयो मंत्र पूर्वम व्याख्या, इन तीनों को पहले व्याख्या करना चाहिए। ईशावास्योपनिषद कांड शाखा में पहले आया विद्याम जो अविद्याम बाद में आया संभूति असंभूति, परंतु अर्थक्रम और पाठक्रम से बलवान होता है क्योंकि पहले उपासना किसको करोगे, अरे जो हिरण्यगर्भ की निष्ठा है उसको पहले बोलना चाहिए, इसलिए बोलते हैं अंतम तम प्रविशंति जे असंभूति इत्यादय त्रयमंत पूर्व पहले व्याख्यान व्याख्या उसको व्याख्यान करना चाहिए। तत्र आत्ममंत्र पूर्वार्थेन संभूति उपासनाया निंदा विधाय, पहले इन तीनों मंत्र पहला असंधम तम प्रविशंति जे संभूति उपासते, ठीक है ना, अंधम तम प्रविशंति देशम, वहाँ पे ना दो प्रकार से अर्थ करते हैं, बड़ी समस्या ही समस्या को जब देखते हैं लगना छोटा परंतु वहाँ पे भरी जो है टेक्निकली शास्त्रीय देखते हैं बहुत है, वहाँ पे अंधम तम प्रविशंति ये संभूति उपासना थे, वहीं पे ये में एक अवग्रह लगा दो ये में जो असंभूति हो जाएगा, एक ही जगह पे देखिए खड़ा होकर के चाहे संभूति लो चाहे असंभूति है ना, ये दोनों ही जो है अपन अब उसका उपासना करने से और उसका निंदा की गई है, इसलिए अभी बोलते हैं तत्र आत्म मंत्र पूर्वार्थेन पहला मंत्र का पहला आधा भाग के द्वारा संभूति उपासनाया निंदा विधाय, संभूति उपासना का निंदा का विधान करके उत्तरार्थेन संभूति अनुपश्यप्तम उपपाद्य उत्तरार्थ के द्वारा संभूति उपासना जो तो नहीं है ऐसा प्रतिपादन करते हैं। द्वितीय मंत्रेण कर्म संभूति उपासना या साफल्यम अभिधीयते, वहाँ पे कर्म और मतलब उपासना इन दोनों के कर्म और उपासना की समुच्चय होता है ये वहाँ पे दिखाया गया है।
कर्म और उपासना की समुच्चय होता है ऐसा दिखाया गया है। अब जब कर्म के साथ उपासना की समुच्चय एकदम दिखा रहे हैं वहां पे, तो उपासना की निंदा हुई कि स्तुति हुई? क्योंकि आपको उस घटिया वस्तु के साथ समुच्चय करने के लिए बोलते आप इसके साथ मिलकर चलो, इसके साथ नहीं। उपासना बीच में है, इधर कर्म है इधर ज्ञान है। आप उपासना के समुच्चय कहाँ पे बोल रहे हैं? कर्म के साथ बोल रहे हैं, यानी इसका इज्जत नहीं बढ़ाया आपके लिए। हाँ, वो साधक के लिए लाभ पहले होता है वो बता रहे हैं, परंतु उत्तम कोटि के साधक के लिए क्या उपासना, कोई साधन की आवश्यकता नहीं है। सुख बैठने सबसे अच्छा साधन है, इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि निंदा विधाय उत्तराधीन संभूतिर मनोकाशत्वमुपपाद्यते। द्वितीय मंत्रेण कर्म संभूति उपासना साफलम्, द्वितीय मंत्र द्वारा दोनों के साथ मिला करके करने पर क्या होता है, उसके कुछ सफलता भी दिखाई है। तत्र संभव शब्द ना संभूति उपासना भज्जता, संभव शब्द के द्वारा संभूति उपासना मतलब संभव भूति है जिसका इष्ट है, संभूति उपासना भज्जते। असंभव शब्द ना जो कर्म विवक्षा थे, असंभव शब्द के द्वारा कर्म मतलब संभूति असंभूति के जहाँ पे वहाँ पे ये किया गया समुच्चय दिखाया गया है, एक संभव ऐश्वर्यशाली और एक कर्म के साथ उसका समुच्चय है, ऐसा करके बोलना अभिप्राय जिससे फल दिखाया गया। पूर्व मंत्रे अनुपात्तस्य अपि तस्य अग्रिम मंत्र प्रतिपाद्य समुच्चय अपेक्षितत्वात्। पहला मंत्र में समुच्चय नहीं बोलने पर बाद में क्या बोला, विद्यम च अविद्यम च मतलब मिलाकर का, तो संभूतिम च बिना संभूति, इस प्रकार मिला करके बोलते हैं एवं दोनों को मिला करके फल भी दिखाए गए हैं। इसलिए बोलते हैं पूर्व मंत्र अनुपात्तस्य अपि तस्य अग्रिम मंत्र प्रतिपाद्य समुच्चय अपेक्षितत्वात्। वो समुच्चय वहाँ पे अपेक्षित है, वहाँ पे निंदा नहीं किया। पूर्व वाले क्या बोलते हैं, वो संभूति उपासना का निंदा नहीं किया गया, वहाँ पर संभूति उपासना का विधान कर रहे हैं और समुच्चय करे कर्म के साथ उपासना का विधान कर रहे हैं। आप देखिए जहाँ पे आपने उत्तम अधिकारी के बारे में कथन कर दिया कि ज्ञानी श्रेष्ठ है, अब जिस अधिकारी में ये योग्यता नहीं है तो श्रुति का क्या काम होता है कि मध्यम अधिकारी को भी इस मार्ग में लगाने के लिए, तो आप क्या बोलते हैं ठीक है आप कर्म करते हुए चलो भगवान की भी चिंतन करो। पहला क्या है, कर्म करते हुए भगवान की चिंतन करो। जैसे धीरे धीरे मन भगवान में लगने लग जाए ना, तो भगवान की स्थूल मूर्ति को छोड़ करके भगवान की सूक्ष्म अवस्था को चिंतन करो। ये उपासना धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये पहले गोल करता है, ये पहले गोल करता है कि अधम उत्तम हीन अश्रमाते विदाहेन उत्तम अधम मध्यम उपासना उपदिष्टोऽयं तदर्थम अनुकंपया। ऐसा बोलता क्या, तो इस अभ्यास से अभिप्राय से स्तुतियों में बोला था, तो वास्तविक संभूति की संभूति ऐश्वर्य जिसके पास है इसकी उपासना को भी निंदा कर दी गई स्तुति के द्वारा। संपूर्ण सृष्टि की ऐश्वर्य जिसके पास है उसकी उपासना को भी जब निंदा करते हैं तो सामान्य देवी देवता की उपासना कहाँ तक विधेय होगा। बंधु भाई ने बोल कर क्या है कि बंधु मध्यम अधिकारी के लिए ठीक है, उत्तम अधिकारी के लिए ये कुछ नहीं है, ये भी छोड़ देना है। इसी को मन में रखते हुए बोल रहे हैं यहाँ पे द्वितीय मंत्र पूर्वार्थ है ना, सफलोर वस्ती कर्म समुच्चय विधि जाते भवि दी जाते। तृतीय मंत्र की पहला अर्थ के द्वारा फल सहित जो है दोनों के समुच्चय के बारे में कथन करते हैं, है ना। संभूति बिना समुद्र उभय विनाश संभुतम ऐसा करके मंत्र आया वहाँ पे। तृतीय मंत्र पूर्वाध्यन सफलोर वस्ती कर्म समुच्चय अभिधि जाते। आप देखिए संभूति शब्देन सूत्र उपासनस्य विनाश शब्देन कर्मणश्च अभिलापा। संभूति शब्द के द्वारा क्या बोला, सूत्र अहिरण्य गर्भ, और कर्म शब्द विनाश शब्द के द्वारा क्या बोला, कर्म को। यानी कि वो अद्युपना ऐश्वर्यशाली व्यक्ति को, वो ऐश्वर्यशाली व्यक्ति को कर्म की देवता के साथ मिला करके उपासना करने के लिए उसका इज्जत को नहीं बढ़ाया गया है विधान करने पर। वो तो अधिकारी को अंदर थोड़ा योग्यता लाने के लिए संभूति शब्द न सूत्र उपासना से विनाश शब्द न कर्म अभिलापा तत् उत्तरार्थी न तत्फल उक्ति उसके उत्तरार्थी के द्वारा उसका फल कथन किया गया। इदानी तृतीय मंत्र उक्तस्य अविद्या शब्दितस्य कर्म संभूति उपासना समुच्चयस्य। तृतीय मंत्र के द्वारा कर्म यहाँ पे जैसे बोला गया संभूति और विनाश उसी प्रकार से वहाँ पे विद्यम च अविद्यम च, इस पर हम बोलते हैं कर्म संभूति उपासना समुच्चयस्य विद्यम च अविद्यम च। इति षष्ठ मंत्रेण ब्रह्म विद्या समुच्चय विधातुं तयोर प्रत्येकं चतुर्थेन निंदति। इसलिए ब्रह्म विद्या के साथ उसका मतलब उपासना के तरह सिद्ध हो जाने के मतलब क्या है कि मंत्र है ब्रह्म चिंता के द्वारा
है, इसको दिखाने के लिए ब्रह्म विद्या समर्थित विधान तयोर प्रत्येकम चतुर्थेन इन दोनों को अलग अलग चिंता कर देते हैं। अंधम तम प्रविशंति वहाँ पे उठकर मध्यम क्षमा में जो अविद्या उपासते तब विद्याया प्रत्येकम किम पूय निंदय फलम नष्टि, दोनों को अलग अलग निंदा कर दिया मतलब क्या दोनों की इच्छा करने से फल नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है, एक क्षण करने से कुछ फल है, एक क्षण करने से कुछ फल। प्रत्येकम किम उभय फलम नष्टि आशंका समुच्चय उपयोगिनम तयोर फल भेदम आदर्शयति, मतलब इसे समुच्चय करके करने से इसका लाभ है, इसीलिए वहाँ पे क्या होता है दोनों को अलग अलग फल दिखाएंगे। देखो केवल कर्म करोगे, केवल कर्म करोगे और उपासना नहीं करेंगे तो कर्म का फल प्राप्त होगा, और कर्म नहीं करेंगे केवल उपासना करेंगे तो भी फल प्राप्त होगा। परंतु जब तक अंतकरण में थोड़ा सा विक्षेप बाहरी वस्तु का संबंध चिंता नहीं जाता तब तक जो है हम उपासना भी नहीं कर सकते, ज्ञान तो दुटी बात है, मतलब भगवान में मन लेते नहीं है। इसलिए सूत्र क्या करते हैं, पहले जो है कर्म अंग अभवत उपासना को कहते हैं, कर्म अंग अभवत उपासना, कर्म के साथ मिला हुआ जो उपासना है उसको पहले करने के लिए बोलते हैं। इस प्रकार करते मतलब कर्म करते हुए भगवान की चिंता करो, तभी तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोला, तस्मात् सर्वेषु कार्येषु माम अनुस्मरण, एक साथ करने के लिए बोला, तब जाकर के धीरे धीरे क्या हो जाएगा मन भगवान में लग जाए। अब जैसे धीरे धीरे आपको मन भगवान में लगने लग जाए तब क्या हो गया सर्वधर्म, देखो हमने नहीं बोला है तो भगवान जिसने धर्म को संस्थापन करने के लिए आया वो स्वयं ऐसा बोलते हैं, वो तो आपने देखिए आप बाहरी संन्यास से छोड़ कर भी मन की संन्यास सबसे बड़ा बलवान, आपको मन से निश्चय हो जाना है किसी साधन से मुझे कोई साध्य वस्तु प्राप्त करना है ही नहीं, तो साधन के लिए मैं शिखा सूत्र क्यों करता हूँ, एक साधन है सबसे बड़ा साधन बना के रखना चाहते हैं, क्यों शिखा सूत्र रखते हैं कि हम साधन करने के रास्ता मिल जाएगा, इतना हिम्मत हो कि कोई साधन की आवश्यकता नहीं है केवल भगवत चिंतन ही करेंगे, तब जाकर क्या होता है कि तब न तो भगवत बोलेंगे क्यों सर्वधर्म परिचर्य को धर्माचरण करने के लिए पहले मन से हो जाए फिर बाहर संकष्ट आपने अभिप्राय मैंने देखा टिप्पणी का अभिप्राय क्या है, ये जो इस सांपुल इतना समझ में नहीं आया सब बोल रहा हूँ, तो पंथ को क्या करना मैंने ऐसा दिखा दिया, परंतु अभिप्राय अपने आप विचार करने से पता लगता है कि संबुद्धि उपासना का विचार निंदन कर दिया और फिर संबुद्धि का विनाश के साथ समुच्चय करने के लिए बोला, यानी कि संबुद्धि मतलब का समस्त देवताओं का समुच्चय, इस प्रकार एक महान व्यक्ति की उपासना भी शास्त्रों के लिए विहित नहीं है, शास्त्र उसको मानना नहीं देता, मतलब ज्ञान की तुलना में वो घटिया है, इस हिसाब से ज्ञान की तुलना में घटिया होने पर उसको भी मान्यता नहीं देते हैं, तो अन्य देवी देवता की उपासना को क्या नहीं किया है, और उसके तो आप बोलेंगे नहीं नहीं वहाँ पर तो उपासना की निंदा नहीं किया, समुच्चय को विधान किया गया है, बिल्कुल समुच्चय को विधान किया, उसको हम स्वीकार नहीं करते शास्त्र हम भी पाए हैं, परंतु समुच्चय किसके साथ किया गया है, समुच्चय विनाश के साथ किया गया है, संबोधन के बिना समझेंगे कि अच्छा व्यक्ति के साथ समझ जाएंगे कि देखो भगवान गीता में भी जब भगवान बोलते हैं अर्जुन ने पूछा कि यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है ये आपके मत है तो आप मेरे को भूल कर्म में क्यों लगा, क्योंकि ऐसे चेत कर्म से मत आप तब तीन कर्म की घोड़ी मांग नहीं जैसी जैसे, तो भगवान वहाँ पर देखो दो निष्ठा बोला लोकरश्मी विविधा निष्ठा पूरा उत्तम है आने भगवत गीता में 18 अध्याय में 18 योग दिखता है, विशाल योग ज्ञान योग कर्म योग जो सांख्य योग फिर कर्म संन्यास योग एक प्रकार की बात, तो विभाजन कितने में किया केवल दो में विभाजन, यानी कि अज्ञा ज्ञान योगे न सांख्य नाम कर्म योगे न योगी नाम, तो ये सारा योग का कहाँ कहाँ विभाजन करोगे, तो कर्म ज्ञान के साथ किसी का समुच्चय नहीं होता, क्योंकि ज्ञान समस्त भेद को मिटाने वाला है,
और उपासना अथवा कर्म भेद को बना के रखने वाला है, इसलिए वहां पे समुच्चय होना संभव है, इधर समुच्चय होना संभव है। क्योंकि जो विरोध धर्म में एक साथ मैं एकत्र हूँ, मैं अकेला हूँ और फिर विभेद भावना से इसको उपासना करूँ, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, किसी एक पर निष्ठा रखना चाहिए, है ना। इसीलिए यहाँ पे देखते हैं एक अभिप्राय है कि संभव की अपवादक संभव मतलब कार्य मात्र, जितना भी कार्यात्मक जगत दिखाई पड़ता है सबका श्रुति ने निषेध करते हैं, क्योंकि हिरण्यगर्भ से विराट को माया हुआ है, इसीलिए जब हिरण्यगर्भ का निषेध हो गया विराट का भी निषेध हो जाता है, इसलिए बोलते हैं कार्य मात्र कार्य मात्र संभव प्रतिषिध नदी कौन एनम जने तिर में बोला हिरण्यगर्भ को, अरे इसको कौन पैदा कर सकता है, मतलब इसका पीछे कोई कारण नहीं है, आत्मा को उत्पन्न होना तब कोई कारण चाहिए उत्पन्न करने के लिए, इस प्रकार व्यक्ति का खाना में बदलने के लिए पीछे कोई कारण चाहिए, उसके पीछे कोई है ही नहीं, कौन एनम जने जिसके पीछे कोई कारण, अनकॉज्ड कॉज, वो भी कॉज के अभिवक्त कारण है, इस प्रकार से कारण प्रतिषिध नदी इसका भी हो जाएगा। देखिए भाष्य का क्या बोलते हैं, भेद दृष्टि मिथ्यात्व हेत्वांतरम आहु सम्यक् भूति ऐश्वर्यम यस्या सा संभूति, है ना, जिसके पास सम्यक् ऐश्वर्य बहुत ऐश्वर्य, तीन नंबर जीवन में सम्यक्तम को भूति मतलब इंद्रादि भूति अपेक्षा उत्कर्ष, इंद्रादि देवता स्वर्ग के राजा उसके पास जिसका जितना ऐश्वर्य है उससे भी अधिक ऐश्वर्य जिसके पास है, इसीलिए बोलते हैं भूत ऐश्वर्य से क्या बोलते हैं संभव भूति, ये परिकल बोलते हैं संभवत्व, इसमें संभवत्व मतलब क्या है, भूते भूत मतलब ऐश्वर्य की इंद्रादि भूति अपेक्षा उत्कर्ष, इंद्रादि देवता के पास जितने ऐश्वर्य रहते हैं उससे अधिक ऐश्वर्य है जिसके लोग संभूत, इतना ऐश्वर्य सारी देवताओं की मतलब ऐश्वर्य से दस से जिसके पास है सा संभूति देवता हिरण्यगर्भ, तो उसको हिरण्यगर्भ नाम से कहा जाता है, तस्य कार्य मध्य श्रेष्ठाया निंदित, जितना कार्यात्मक जगत है, आप बताओ मान लो कोई व्यक्ति ने आके भारत के प्रेसिडेंट की निंदा कर दी तो भारतवासी की प्रशंसा करना होगा कि नहीं होगा, कोई विदेश में कोई व्यक्ति आकर के भारत के प्रेसिडेंट की निंदा कर दे, क्योंकि भारत के प्रेसिडेंट को भारत की सबसे पहला मतलब नागरिक माना जाता है, भारतवासी पहला नागरिक माना जाता है, पहला नागरिक का कोई निंदा कर दिया कि पूरा भारतवासी का निंदा हुआ, आप इसी प्रकार सृष्टि के पहला नगरी कौन है हिरण्यगर्भ, उसका निंदा हो गया, यानी कि सृष्टि में पारमार्थी का निंदा है ना, इसीलिए बोलते जितना जितना लॉजिकल है, देखिए कैसे बोलते हैं तस्याश्च कार्य मध्य श्रेष्ठाया समस्त कार्यात्मक जगत में सबसे श्रेष्ठ कौन है हिरण्यगर्भ है, श्रेष्ठाया निंदित उसका निंदा हो जाने के कारण अब जो है दो गुट में लड़ाई हो रहा है, दोनों ग्रुप में एक लीडर है, तो एक व्यक्ति कहाँ किसके साथ करेगा, बोलते भाई चलो आपका प्रधान कौन है, उनका प्रधान को लाया और फिर नागालैंड से एक सामान्य व्यक्ति को भेज दिया, अब सामान्य व्यक्ति के साथ ही जब प्रधान मान लो हार जाता है तुम्हारा प्रधान तो बाकी के साथ करेगा, उसे कहता नहीं इसका जीत हो जाता है, तो इसको बोलता है प्रधानमंडल निवरहन है, प्रधानमंडल निवरहन है मतलब दोनों पक्ष में युद्ध में किसी अन्नवादी के विरोधियों के जो पहला मुख्य योद्धा है उस मुख्य योद्धा यदि हार जाता है उस पक्ष की पराजय माना जाता है, तो हमारे यहाँ पे मुख्य योद्धा के रूप में तो उपासक के रूप में सबसे सबसे ऐश्वर्यशाली व्यक्ति हिरण्यगर्भ उसका निंदा कर दिया श्रुति ने, इसलिए प्रधान वर्ग ने जो हम न्याय के द्वारा उपासना अथवा जो है भेद दृष्टि उपासना करने के भेद दृष्टि चाहिए भेद दृष्टि विधान नहीं है, कार्य मध्य श्रेष्ठ या निंदित कार्य के मध्य सबसे श्रेष्ठ होने के कारण उसको जब निंदा किया प्रधान मंडल निवरहन नयन प्रधान मंडल हार गया तो उस पक्ष के हार हो जाता है, इस युक्ति के बल पे संभव शब्दितम कार्य विमन सिद्ध संभव शब्द के द्वारा जो अर्थ है कार्यात्मक जगत, इस कार्यात्मक जगत कहाँ शुरू होता है, इसलिए संपूर्ण कार्यात्मक जगत का निषेध हो जाता है, तथा च सिद्धम तस्य अवस्तुत्वम् इत्यादि, इसके फलस्वरूप क्या सिद्ध होता है कि वो कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है, कहीं भी श्रुति एक ऐसा आपको दिखा दे कि आत्मा मिथ्या है अथवा आत्मा में कोई उपयोगी कहीं नहीं ऐसे कहा, आत्मा को प्रतिपादन ब्रह्म अथवा आत्मा को लेकर के कहीं भी निषेध नहीं है, कार्य ब्रह्म का निषेध है, तथा चिद्धम से तस्य अवस्तुत्वम् तस्य अवस्तुत्वम् मतलब तथा च उपक्रांत भेद दृष्टि मिथ्यात्म आर्थिक किसका उसका जो निंदा किया किसका संभूति का भेद कहाँ से शुरू होता है, संभूति से शुरू होता है भेद, प्रत्यक्ष तो संभूति का निंदा करने के बाद मतलब भेद दृष्टि का ही निंदा कर दिया जाए, भेद दृष्टि का ही निंदा किया जाए,
तथा च उपक्रांत भेद दृष्टि मिथ्यात्म आर्थिक अर्थ से प्राप्त होता है। विषय से मिथ्यात्व दृष्टि तथात्म अनुक्ति लब्धम अर्थात विषय में मिथ्यात्व दृष्टि इस प्रकार संभूति का जो निषेध कर देने पर क्या होता है, विषय रूप में जो भी हमको दिखाई पड़ता है उसमें मिथ्यात्व अपने आप सिद्ध होता है। देखो पहले विषय रूप में हिरण्यगर्भ आदि बोलते हैं विषय से मिथ्यात्व दृष्टि, विषय मिथ्या दृष्टि का तथात्म अनुक्ति लब्ध विषय में जो मिथ्यात्व है वो यद्यपि वहाँ पे सीधा सीधा तो नहीं कहा परंतु उसके अनुक्ति से भी वहाँ पे जो संभूति की अनुवाद कर दिया उससे विषय के मिथ्यात्व तो अनुक्ति लब्ध मतलब आर्थिक अर्थ से पता लगते हैं, अर्थ से अर्थ पता लगते हैं। इसलिए बोलते हैं तथा च प्रक्रम भेद दृष्टि मिथ्यात्म आर्थिक मुझे बात है उपक्रम में भी भेद दृष्टि कहा गया और भेद दृष्टि का उसका निंदा करने के कारण वहाँ पे मिथ्यात्व तो आर्थिक अर्थ से पता लगते हैं। विषय से मिथ्यात्व दृष्टि तथात्म अनुक्ति लब्ध मतलब विषय के मिथ्यात्व सीधा सीधा जो है नहीं कथन करने पर भी संभूति का निंदा करने का आर्थिक अर्थ से ये पता लगता है। कारण प्रतिषेध कारण का ही निंदा कर दिया गया इसलिए कारण में पारमार्थिकता नहीं है और उसके सिद्धस्य देखिए कारण में पारमार्थिकता अभिप्राय क्या हुआ, जिसको आप कारण रूप में दिखाना चाहते हैं उसमें कारणता रूपी धर्म पारमार्थिक नहीं, वस्तु नहीं है निंदा ये नहीं बोल रहे हैं। इसने अभी बोलते हैं कारण प्रतिषेध न तद अवस्तुत्व सिद्धस्य तथा च यथोक्त अर्थ सिद्धि इस प्रकार से इस अर्थ से ये सिद्ध हो जाता है। बस अर्थ सिद्धि मतलब अद्वैत सिद्धि अर्थ से सिद्ध हो जाता है भेद का निंदा करने के कारण और उसका भेद सबसे पहला जो नागरिक है सृष्टि भेद वहीं से भेद शुरू होता है सृष्टि शुरू होता है उसका ही जब निंदा की उसी से अधिक संविस्तार होता है इसलिए अद्वैत आर्थिक अर्थ से अद्वैत सिद्ध हो जाता है। इसलिए बोला कि आपने सीधा सीधा अर्थ नहीं मिलेगा कई व्यक्ति परंतु जब आप अपनी प्रज्ञारूपी परिषद धन्य के द्वारा आप जो अच्छी तरह से स्तुति वाक्यों को मंथन करें तब उससे विचार निकाल के आता है। अच्छी तरह से विचार पूर्वक यही वेदांत की मनन विचार की प्रक्रिया अब जीत रखें तो पूर्व कल करें कौन एनम जनता कौन इसका इसका कौन पैदा कर सकते हैं इसके पीछे कोई कारण नहीं या सबका सबका सभी के पीछे होने के कारण इसको पैदा करने वाला कोई नहीं है। प्रज्ञा वैशाख वेद सुमित जलनिधे वेदनामन्तरस्थं भूतान्यालोकान्यविरत जननग्राहकोरे समुद्रे कारुण्यामृतमिदं मम दुर्लभं भूतलेतो यस्सम्पूज्यामि पूज्यं परमं गुरुं तं पादपादेन नमः।